वालेकुम। आज सैटरडे है, ऑफ है, हमारे बच्चों की भी छुट्टी है, हमारी भी ऑफिस की ऑफ है, सब घर में है। सैटरडे संडे ऑफ होने की वजह से तो आज ये घर में ये तय हुआ था कल के भाई एक बार बीक्यू का इंतजाम किया जाए अपने बैकयार्ड में। तो दोनों बेटे मोहम्मद दानियाल और मोहम्मद नबील आज बार बीक्यू कर रहे हैं हमारे बैकयार्ड में। तो उसमें जो है चिकन टिक्का है उसको ग्रिल किया जाएगा और बीफ के कबाब है उसको भी ग्रिल किए जाएंगे। इसके अलावा श्रीम है, श्रीम भी माशाल्लाह बड़े वाले जो है वो भी ग्रिल किए जाएंगे। और फिर अपनी कराची की बंस रोड की मशहूर लस्सी वो भी तैयार की जाएगी जो आपको बताएंगे हमारे भाई जो अब्दुल रजाक है कराची में, उन्होंने सब कुछ सिखा दी है बनाना। मेरे बेटे मोहम्मद दानियाल को तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ बनाना सिखा दी है। तो अमेरिका में जो है इसकी दानियाल की लस्सी बड़ी मशहूर है, यहाँ पे कभी भी फैमिली गैदरिंग होती है तो दानियाल को मखसूस अहमियत दी जाती है। तो आज दानियाल जो है माशाल्लाह बंस रोड की लस्सी भी बना के सबको पिलाएंगे और इसके अलावा ग्रिल भी कर रहे हैं सब चीज़ें। देखिए सामने है, साथ में उनकी नानी भी बैठी हुई है और दानियाल और इनकी अम्मी जो है अभी नमाज पढ़ के ऊपर से अभी आएंगी नीचे और उनके नाना भी अभी आएंगे। तो इंशाल्लाह यही सब चीज़ें तैयार होंगी और यही बैकयार्ड में बैठ के सब मिलकर जुल के खाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त यानी तैयारी की है, कल से तैयारी कर रही है हमारे मिसेज जो है, मसाले वसाले खूब ज़बरदस्त लगाए गए हैं इसमें, टिक्के में और बीफ के कबाब में और श्रीम में, कराची के बड़े ज़बरदस्त मसाले, बंस रोड के जो है अपने रंछोलेन के छांगा मांगा के मसाले जो है वो ज़बरदस्त A1 मसाले जो है ये लाए हैं हम कराची गए थे तो अभी, और उस मसालों से जो है लुत्फ़ उठाएंगे हम माशाल्लाह। ज़बरदस्त तैयारी हो रही है वहाँ, मैं यहाँ जाके आपको वहाँ पे ले जाता हूँ और बता रहा हूँ। बड़ा अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा मौसम है, बड़ा खूबसूरत मौसम है। तो माशाल्लाह ये जो है ग्रिल की पार्टी, टिक्के की, बीफ कबाब की, श्रीम की, लस्सी की, ये पार्टी आज बड़ी ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय होगी और आपको भी इसमें शामिल करेंगे। अगर आप हमारे दरमियान होते तो इंशाल्लाह आपको भी हम ये खिलाते, उनको दावत देते। इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया कभी आप लोगों से मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको भी हम खिलाएंगे ये बेहतरीन सी चीज़ें। वैसे तो अल्लाह ताला सबको मकसद नवाजता है और आप भी यकीनन बना बना के खाते होंगे, मगर हम भी मेहमान नवाजी करेंगे आपकी जब कभी आपका न्यू जर्सी अमरीका आना हो तो हमारे आइएगा। तो माशाल्लाह हम आपकी सब चीज़ें बना बना के खिलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चले हम वहाँ जाके देखते हैं क्या क्या हो रहा है, दानियाल क्या कर रहे हैं। चलो अब दानियाल बंस रोड की लस्सी तैयार कर रहे हैं भाई, बंस रोड की स्पेशल लस्सी तैयार हो रही है। जितना दही होता है ना उतना ही दूध होता है ये जो है लस्सी का मतलब रेशो। नहीं नहीं वो तो सही है ना, इतना ही था ना, उसमें से एक दो चम्मच यूज हुआ हुआ था बस, तो वो इतना मसला नहीं है। पप्पा की रेसिपी है ये। जबरदस्त बेहतरीन लस्सी तैयार है भाई।
बंस रोड स्टाइल लस्सी। चले चलते हैं वो नारियल की तरफ। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह दानियल शुरू हो गए हैं बेहतरीन चटपटे टिक्के बनाने में। अभी से देख के मुंह में पानी आ रहा है। हाँ खुशबू आ रही है जबरदस्त। देखिए चिकन टिक्का भी तैयार हो रहा है और बीफ के कबाब भी तैयार हो रहे हैं। अभी ये दानियल ने टिक्के लगाए हैं, गर्म हो रहे हैं। आज जो है हम लोग अंगूर भी आज निकालेंगे। फ्लावर भी बड़े अच्छे हो गए माशाल्लाह। ये देखिए गुलाब के फूल भी बड़े जबरदस्त हो गए माशाल्लाह हमारे बैकयार्ड में। और यहाँ भी एप्पल का, पीच का, नाशपति का, स्ट्रॉबेरी के ये सब दरख्त लगे हुए हैं। इंशाल्लाह ये भी फल होने वाले हैं। यहाँ पे जो है ना अभी अंगूर हो गए, इंशाल्लाह अंगूर जो है ना ये निकाले जाएंगे। अभी अंगूर काफी, मैं आपको दिखा दूं, अंगूर काफी पैदा हो गए। अंगूर काफी है यहाँ पे, ये पूरी बेल अंदर तक अंगूर की जाती है। देखिए सब अंगूर ही अंगूर है यहाँ पे। नीचे जितना जाएंगे ना तो सब अंगूर ही नजर आएंगे। ये देखिए अंदर तक ये बेल जो जाती है सब अंगूर की है। ये तो ये कि अंगूर भी आज निकालेंगे और अंगूर का जूस बना के पियेंगे। बड़े जबरदस्त अंगूर है ये। और वहां सामने भी अंगूर की बेल लगी हुई है। अभी कुछ 5 बजे हैं शाम के, सैटरडे का दिन है हफ्ते का। और जब ये तैयार हो जाएंगे टिक्का और बीफ के कबाब और श्रीम ग्रिल किया जाएगा, बड़े बड़े श्रीम जो है वो ग्रिल किए जाएंगे। इसके बाद लस्सी है और इसके बाद और कुछ आइटम्स हैं ऊपर जो भी मेरे मिसेस लेके आएंगी नीचे नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद। तो आज माशाल्लाह पार्टी होगी घर में ही, बैकयार्ड में पार्टी होगी। आपको सब अहवाल बताएंगे इंशाल्लाह। इस तरफ हमने चिड़िया को खाने के ये रखा हुआ है। यहाँ चिड़िया जो है आती हैं और खाना वगैरह खाती हैं। देखिए ये सब, और साथ में अभी ये चिड़िया का घर, देखिए ये चिड़िया का हाउस, इसमें चिड़िया रहेंगी और इनके लिए रिहायश का बंदोबस्त किया गया है। चिड़िया की रिहायश का बंदोबस्त
बड़ा खूबसूरत है, ये अमेजोन से मंगाया था। ये इस साइड पर भी है, तीन है, तीन है समझे, तीन रूम चिड़िया के बन जाएंगे इसमें। थोड़े से अंगूर निकाल लें यहां से। यहां तो अंगूर ही अंगूर भरे पड़े दिखे। उस तरफ भी जाए। अच्छा, ये तमाम सब्जी का है, ये पोर्शन जो है ना, ये सारी सब्जियां ऐसे उगी हुई है, सब सब सब्जियां यहाँ पे उगाई गई है। यहाँ पे अंगूर निकाल के जमा कर रहे हैं, बहुत सारे अंगूर हैं यहाँ पे। रोज निकालते हैं अंगूर। फिर इसका जूस बना के पिया जाएगा। आगे चलते हैं और अंगूर निकालते हैं। अंदर तो भरे पड़े हैं अंगूर बहुत सारे। ये निकाल ले, जितना अंदर जाते हैं तो नजर आते हैं बहुत सारे। देखिए अंगूर ही अंगूर है। देखिए कितने सारे भरे पड़े हैं। अब ये सब निकाल लें। फिर इसका जूस बनाया जाएगा और जूस बना के पियेंगे। इतनी बड़ी अंदर से अंदर तक चलती है बेल कि अंदर तो वहां तो जाते भी नहीं है, खुद ही अंगूर गिर जाते हैं सारे। बीफ के कबाब भी लगा दिए गए हैं अभी, और अब श्रीम जो है वो लगाए जा रहे हैं। श्रीम ऊपर श्रीम भी लगाए जा रहे हैं। बीफ है वो टिक्का है। ये स्टेक भी लगा, ये स्टेक है देखो, स्टेक माशाल्लाह। मैं अब एक वो दे दो ताकि मैं ये कबाब उसमें डाल दूं। इसमें डालू कबाब लगाऊंगे।
फिर इसके बाद स्टिक भी लगानी है ना। अच्छा वो चौथी आइटम हम भूल गए थे, चौथी आइटम भी है वो स्टिक जो है वो भी ग्रिल किया जाएगी। स्टिक बीफ स्टिक, बीफ स्टिक है जो है। सुबह तो खुशबू उठ रही है, धुआं जो है देख रहे हैं आप धुआं से। चलो दानियल के नाना ने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया कि बहुत अच्छा बना है माशाल्लाह। अभी हम भी चखेंगे तो इसके बाद आपको बताएंगे। बंद अच्छा है, बंद अच्छा है कबाब। श्री जबरदस्त, एक और ले लो। चलो वेरी गुड वेरी गुड, एक और ले लो, दो ले लो, दो ले लो। सही है अम्मी, मैंने ले ली अपने दो वहाँ पे। नारायण इधर और चाहिए एक और आपको। नानी जन, अरे नानी जन तो जीएंगे नहीं, लेंगे तो ये चलो आप लोग इसको।